हेलो व्यूवर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीरियड एडमिशन के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से। जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उससे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों यहाँ पे आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन सन 2022-23 के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से। नेट यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई नहीं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी आपका ये लास्ट सेमेस्टर है या फिर आपका पीजी का लास्ट ईयर है, आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे पीएचडी में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। देखेंगे यहाँ पे आपकी जो नंबर आप वैकेंसीज हैं उनके बारे में, यहाँ पे आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे, और यहाँ पे इसका जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने ऑफिशियल साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर पाएंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा जहां से आपको पीएचडी से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलेंगे देखेंगे हम यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की तरफ से आवेदन पत्र निकाले गए हैं, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन कर दी गए हैं तो हम इन्हें देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है यहाँ पे 15/3/2022 को रिलीज हो चुका है। यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है 10/4/2022, उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पीएचडी एग्जाम उनकी लिस्ट जो यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएगी 22/4/2022 को पब्लिश कर दी जाएगी। यहाँ पे ऑनलाइन या फिर आपका ऑफलाइन जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 26/4/2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस डेट को ध्यान रखते हुए आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम रिजल्ट, यहाँ पे 28/4/2022 को आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। वहीं पे आपका वॉइस वाइवा या फिर इंटरव्यू जो आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा वो सेकंड वीक ऑफ मई 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अन्य यहाँ पे डेट्स मेंशन कर दिए गए तो आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। ये आपके यहाँ पे वो डेट्स हैं जब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तब की यहाँ पे आपकी ये डेट्स मेंशन की गई हैं। इसके अलावा दोस्तों हम चलेंगे इसके दूसरे नोटिफिकेशन पे जहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन सेशन सन 2022-23 के लिए आवेदन पत्र निकाले गए हैं। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। इसके साथ यहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए तो आप इन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट्स और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हम एक नज़र में देख लेंगे, देन यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपकी वैदिक स्टडीज़ में यहाँ पे 3 सीट्स हैं, संस्कृत में आपकी यहाँ पे 4 हैं, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में आपकी 6 हैं, इंडियन एजुकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपकी कोई सीट्स नहीं है यानी 0 हैं, योगा में आपकी 4 हैं, इंडियन पेंटिंग में आपकी 3 हैं, हिंदी में आपकी 4 हैं, इंग्लिश में आपकी 6 सीट्स हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में आपकी 4 सीट्स हैं, इंडियन फिलोसफी में आपकी 3 हैं, डायस्पोरा एंड माइग्रेशन में आपकी 2 हैं और हिस्ट्री में आपकी 8 सीट्स हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपकी टोटल नंबर आप वैकेंसीज मेंशन कर दिए गए तो आप इन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आपकी सब्जेक्ट मेंशन किए गए तो आप अपनी सब्जेक्ट चेक कर पाएंगे। बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आपके पास पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं अगर आप एससी एसटी ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे ये पॉइंट्स मेंशन किया गया है अपेयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे अपेयरिंग हैं या फिर आप यहाँ पे फाइनल ईयर के छात्र हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे पीएचडी में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो कैंडिडेट्स यहाँ पे नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हैं, अगर आप तो आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी दोस्तों जो एमपी गवर्नमेंट के रूल हैं उनके अनुसार यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन यानी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उनको यहाँ पे कॉल किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए उनको कॉल किया जाएगा और देन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस आपकी रखी गई यहाँ पे एससी एसटी पीएच जो कैंडिडेट्स हैं एमपी के उनको यहाँ पे 1200 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप अदर स्टेट से आते हैं या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है।
अगर आप यहाँ पे फॉरेन नेशनल हैं तो आपको 2250 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके इवेंट्स यानी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो फिर से मेंशन कर दिए गए, तो आप उनको पॉज करके चेक कर सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए, तो इन्हें देख लेंगे। यहाँ पे नोट करके पॉइंट ये मेंशन किया गया, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे फॉरेन और एनआरआई पीआईओ स्पॉन्सर्ड फेलोशिप, ये जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, इन कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देने से छूट मिल जाएगी। यानी आपको सिर्फ इंटरव्यू में अपेयर होना है, एग्ज़ाम देना आपको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे अन्य पॉइंट्स मेंशन किए गए, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक ईमेल आईडी दी गई, जिससे अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो इस पे आप मेल कर सकते हैं, या यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिया गया इस पे आप विजिट कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे नीचे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एक नंबर दिया गया, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम चलेंगे इसके तीसरे नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे जो आपकी फीस है वो फीस स्ट्रक्चर जो पीएचडी का मेंशन किया गया, तो हम इसे देख लेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस मेंशन कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो आपके पीएचडी में एडमिशन के टाइम जो आपको फीस पे करनी है वो यहाँ पे मेंशन की गई, तो आप इसे भी पॉज करके देख सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पे ऊपर ये इंडियन कैंडिडेट्स की फीस यहाँ पे मेंशन की गई इस साइड में, और ये यहाँ पे अगर आप फॉरेन नेशनल हैं तो आपकी ये फीस इधर मेंशन कर दी गई, तो आप इसे भी चेक कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई, तो यहाँ पे ये आपकी ट्यूशन फीस है, ये आपको पे करनी है। तो ये फीस दोस्तों आप जब यहाँ पे एडमिशन आप सेलेक्ट हो जाएंगे तब आपको ये फीस पे करनी है। इसके अलावा दोस्तों हम चलेंगे इसके ऑफिशियल साइट पे, यहाँ पे देखेंगे आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर ऑफिशियल साइट का लिंक आपको नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जब ऑफिशियल साइट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपअप खुल के आ जाएगा, जहाँ से दोस्तों आपको पीएचडी एडमिशन 2022-23 करके लिंक यहाँ पे मेंशन किया गया, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ से दोस्तों इसे हम क्लोज कर देंगे क्योंकि ये आपका पॉपअप है। यहाँ पे आप नीचे भी इस होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन में ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है, ये यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर द डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, सीट्स एलिजिबिलिटी है, और ये यहाँ पे आपके सारे नोटिफिकेशन मेंशन हो जाते हैं। ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, फीस डिटेल्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम फीस पेमेंट है, और यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहीं पे दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लिंक यहाँ पे मेंशन किया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ से दोस्तों आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। न्यू यूज़र पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है और अपने आप को रजिस्टर हो जाना है, देन यहाँ पे अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रकार की टेक्निकल क्वेरी है तो यहाँ पे दोस्तों नंबर्स, ये ईमेल आईडी दी गई, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे अपने टेक्निकल क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों अगर आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर दिए गए, ईमेल आईडी दी गई, तो उस पे आप अपना कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों आपकी पीएचडी की जानकारी थी और उम्मीद करूंगा जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे एक अन्य पीएचडी की जानकारी लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।